सरकार द्वारा देश भर में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए बहुत सी योजनाओं का संचालन किया गया है और इसमें महिलाओं को सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है, परंतु जमीनी स्तर पर इसका एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। आपकी डिलीवरी कब हुई? 26 जुलाई 16 मार्च को। डिलीवरी के समय आपको क्या क्या दिक्कतें हैं? डिलीवरी के समय में गाड़ी बुलवाए थे 108 वाली, तो वो गाड़ी आई भी नहीं, फिर हम टू व्हीलर से गए। रोड बहुत खराब है, दचका दुचकी में पेट दर्द करने लगा। गाड़ी क्यों नहीं आई आपके यहाँ, कुछ बताया गाड़ी वाले? गाड़ी वाले ने बोल दिया, बोले तुम्हारे गांव की रास्ता बहुत खराब है, हम नहीं आ सकते, फलारा तक पे आ जाओ, फलारा से ले जाएंगे। छुट्टी हो रही थी वहाँ से, तब बोले थे, तब भी लेके नहीं आई। वहाँ बोल दिए कि रोड खराब है घर के, इसलिए नहीं लेके आए। बहुत सारा खर्च हुआ, 2 बॉटल ब्लड लगा मेरे को और पानी की बाटले लगी 2-3-4 हजार की, और खर्चा लगा 11-12 दिन रहे वहाँ पे 13 दिन। इस योजना के माध्यम से सरकार शिशु मृत्यु दर और प्रसव के समय जननी की जो अकाल मौत होती है उसे रोकने के लिए इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपये की राशि प्रदान करती है। जो राशि मिलती है डिलीवरी के बाद जननी सुरक्षा की, वो आपको मिली? नहीं, अभी नहीं। क्या कारण है कि नहीं मिला? वो 3-4 वीकर गए लेने के लिए, पर नहीं बोले, उन्होंने आवेदन लगाए भी थे पर अभी नहीं कहे। जाते वहाँ पे फार्म आरम जमा करे 2-3 बार तो बोल रहे, बोले मिल जाएगी आ जाएगी, ऐसे बोल रहे थे। यहाँ पर 7 महीने हो गए, हर बार जाते हैं, कितना लेट होगा? तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सरकार जो योजना देने के लिए राशि देने के लिए बोल रही, तो वो भी नहीं दे रही है। इतनी परेशानी हुई हमको तो बहुत ज्यादा। तो आप क्या चाहती हैं? तो वो राशि दे हमको। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि वह इन नंबरों पर कॉल कर अधिकारियों पर दबाव बनाए। मुख्य चिकित्सक अधिकारी श्री आर के श्रीवास्तव, जिनका मोबाइल नंबर है 9893661444। मैं रेखा भांगरे, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।